ये अपना लीनियर फंक्शन हो गया था, मॉडुलस ये तो हो गए थे, सिग्नम फंक्शन, मेरे ख्याल में ग्राफ भी हो गए थे यार काफी कुछ, है ना, इस तरह से ग्राफ वगैरह भी ये भी देख लिए थे, ये हो गई थी चीजें, ये क्या क्या हो गए, ये तो अभी नहीं, यहां नहीं पहुंचे ना अभी, क्यों बेटा कहाँ तक हुआ था भाई, कुछ याद है? कॉम्पोजिशन ये शायद हमने पढ़ लिया था, है ना, यस सर। है ना, वो कॉम्पोजिशन का मैंने कुछ इस तरह का बना करके देखा था हम लोगों ने, फॉग ऑफ करके, है ना, कि अगर यस सर, अगर एफ एक्स ये फंक्शन है, यस जी सर, एक्स ये है अपना, तो यस सर, ये जो ना ये गॉफ बनता है, यस और सर, रिवर्स इसका ऐसे उल्टा मार दोगे तो ये फॉग बनता है ना, फॉग। ऐसा कुछ था ना। हाँ, तो ये वाला हुआ था अपना, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी, ये भी हो गई थी यार मेरे को लग रहा है कुछ, क्यों बेटा? यस सर, हाँ, ये वाली चीजें भी हुई थी। चलो ये वाला लगाना शुरू कर दो, तो यहां से शुरू कर देते हैं अपना, चलो इसे लगाओ जरा, याद है ना गॉफ कैसे निकालते हैं? गॉफ मींस जी बाहर और एफ एक्स अंदर, यानी कि जो जी फंक्शन बनेगा वो एफ एक्स को लेकर के बनेगा, किसको लेकर के बनेगा? एफ एक्स को, यानी कि एक्स के प्लेस पे एफ एक्स जाएगा जी वाली फॉर्म, क्या कहते हो? आवाज आ रही यस है सर, बेटा? यस सर, हाँ, तो जी बाहर एफ एक्स अंदर, अब आप यहां पर एक्स को एफ एक्स बना लोगे, जो एक्स है वो एफ एक्स बनेगा, यस सर, मीन्स मैं यहां पर रखूंगा एक्स क्यूब, ठीक है, यस सर, यस सर, और अब आपका ये जी के प्लेस पे जाएगा यहां, यस सर, दैट मीन्स 3x³ + 2, ठीक है भाई? यस सर, एंड फॉग के लिए क्या बताओगे? एफ बाहर, जी जी एक्स एक्स अंदर, अंदर। यस सर, यस सर, आप सब लोग 12th में हो ना? यस सर, 12th पास आउट यस है। सर, 12th पास आउट एंड 12th दोनों होंगे ना शायद इसमें? यस सर, हाँ, दोनों। अब ये देख लो, एक शब्द होता है एनी हाउ, किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से हमें सिलेक्शन चाहिए, समझ रहे हो? तो मेहनत खतरनाक वाली पे आ यस जाओ जरा, ठीक है ना बच्चों? सर, अब जी एक्स क्या है मेरे यस पास? जी बेटा, जी बेटा, थ्री थ्री एक्स प्लस एक्स टू प्लस टू अब यस इसको सर, मैं क्यूब पे ले जाऊंगा, हाँ, है ना? यस सर, यस सर, मैंने आपको शायद ये बोला भी था कि मैं फंक्शन को बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा, जरूरत की सारी बातें बताता चलूंगा, ठीक है यस बेटा? सर, हाँ, तो अपना फंक्शन ज्यादा नहीं खींचना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ पढ़े ही ना, इसको सॉल्व कर लूंगा, आ गया मेरा, यस सर, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये फॉर्म है यहां पर, ठीक है बेटा? स्क्रीनशॉट बनाना चाहो बना सकते हो आप, डन सर, ये देखो आप, यहां भी आपसे फॉग ऑफ की बातें ही कर रहा है वो, हो जाएगा अपना, यस सर, देख लो, सोच लो, मैं तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अभी इसके साथ मुझे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ानी है, ठीक है? यस और सर, वो 12th में जो है बच्चे उनका टॉपिक भी है अपना, ठीक है ना यस सर, बेटा? हाँ, तो थोड़ा सा समय कम लेंगे हम, ये फॉग ऑफ निकाल रखे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डन सर, ओके। यहां पर दूसरा पार्ट है ये, अब आप ये वाला फॉर्म देखो, ठीक है? देखो, यस सर, सर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेरे बच्चों जिसमें दो तीन फंक्शन घुसे होते हैं, है ना, दो तीन चीजें घुसी हुई होती हैं अंदर अंदर, अब हमने उस तरह का नहीं पढ़ा होता, तो उस टाइम के लिए उसको जनरली थोड़ा सा ऐसे ही समझ लेना चाहिए, ठीक है? फिर जब
वो टॉपिक पर्टिकुलर आता है, जब मैं एक्सपोनेंट लॉगरिथम्स केवल यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शंस, तो उस समय मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग अपने जरूरत का पढ़ लें। यहां पर आप देखें एक एफ एक्स फंक्शन दिख रहा होगा आपको, क्लियर है? यस सर। एक मेरा जी एक्स फंक्शन है। यस सर। अब मुझे यहां पर थोड़ा सा डाउट है, ये आप देख लेना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो सकता है, और अगर ये ऐसा ब्रैकेट लगा रखा है तो ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। क्या होता है ये? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शन जानते हो ना, फ्रैक्शंस, डेसिमल प्लेस वाला जो पार्ट होता है, जैसे टू एंड हाफ, तो ये जो हाफ है ना, ये हाफ, थ्री बाई टू, सेवन बाई फोर, इस तरह से, ये फ्रैक्शंस वाली चीजें। ये सर भिन्न। तो इसमें जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है, इसका डेसिमल के बाद वाला, वो फ्रैक्शन, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो उस तरह का हो सकता है। अब इसने कहा इफ द फंक्शन फॉग एक्स एग्जिस्ट देन फाइंड द रेंज। अब देखो इसका तरीका क्या है, यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। लॉग में डिटेल में तो मैं तभी बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लें। लॉग इस तरह से जो लिखा होता है, ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू आपकी जीरो नहीं होती है कभी भी, ठीक है? यस सर। समझ रहे हो? और ये कभी भी आपका वन नहीं होता है। यस सर। तो ये बातें कुछ हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। अब जब मैं लॉग वाले फंक्शन पे जाऊंगा, यहाँ पे वापस आ जाते हैं, तो मैंने कहा ये वन नहीं होगा कभी भी, ठीक है बेटा? यस सर। तो देखो क्या यही बात यहाँ पे बोली, देखो इसने कहा जीरो से ज्यादा होगा, वन नहीं होगा, आया? यस सर। यस सर। इसका मतलब x की वैल्यू 1/100 नहीं होगी। 100 यही तो हुआ ना। यस सर। अब आप आ जाओ, फिर वापस आओ, देखो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है x, लिखा है? यस सर। अब एक चीज मैं छोटी सी समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ये लॉग ए भी लिखा है ना। यस सर। डिटेल में तो लॉगरिथम्स में पढ़ेंगे। यस सर। अगर ये वैल्यू, ध्यान देना, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, और ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो लेस देन वन आएगी। क्या आएगी? लेस देन वन। लेस देन वन। और अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा है तो ग्रेटर देन वन आएगी, ठीक है? यस सर। तो ये छोटी सी चीज हमें ध्यान रखनी है, और ये बातें हमने देख ली कि ये वाली वैल्यू कभी भी, बेस वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है? ये वाली वैल्यू भी कभी जीरो नहीं होती है। ये कुछ चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ठीक है बेटा? यस सर। अब यहां पर उन्हीं चीजों को लगाया गया, अगर x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, क्या है x की वैल्यू? अब देखो आपको वहां पे फ्रैक्शनल में दिया हुआ था, डिवाइड में, डिवाइड में है ना ये। अब ये नीचे माइनस में है, क्या है ये? माइनस में। माइनस में है, माइनस में। तो, हाँ, तो ऐसे देखना है कि x पॉजिटिव है तो पूरा फंक्शन तो नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। तो ऐसी चीजें थोड़ी सी यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है, लगाई गई है, ठीक है बेटा? अब ये देखो, यहां से आप x निकालोगे, लॉग, भाई ये थोड़ा सा ना लॉगरिथम्स पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। ये जो लॉग वाली चीज है, लॉग अगर आप लिखा हुआ है लॉग x इक्वल टू ऐसे करके, चलो इसे मैं थोड़ी देर के लिए p मान लेता हूँ। एंटी लॉग पढ़ा है कभी, लॉग एंटी लॉग टाइप बेटा? यस सर। तो ये जो x की वैल्यू होती है वो p की पावर y होगी। यस सर। क्या कहते हो? यस सर। हाँ, क्या ऐसा कर लें एक क्लास में यार, अभी पहले ले ही लूं किसी दिन। यस सर। तो नेक्स्ट जो अभी हमारी परसों आई थिंक क्लास है ना, अब तो कल तो फिर परसों की क्लास मैं कोशिश करता हूँ लॉगरिथम्स की ले लेते। यस सर। ठीक रहेगा, एक्सपोनेंट और लॉगरिथम्स को मिक्स करके ले लेते हैं, या ले लेते हैं, या सुनो कल ले लेता हूँ, कल 11th के साथ जोड़ता हूँ। यस सर।
क्योंकि बेटा उन्हें भी तो चाहिए ना ये चीज, तो बेसिक बातें तो आपको और उनको आनी चाहिए। तो कल के लिए आप तैयार हो जाएं, मैं कोशिश करूंगा लॉगरिथम्स का, ठीक है बेटा? आप लोग मुझे याद भी दिला देंगे, जैसे मैं क्लास लूंगा तो आप मुझे बोल देना कि सर हो सके तो लॉगरिथम्स के लिए बोल रहे थे, आप उसे करा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे फंसने वाले, ठीक? अभी आप स्किप कर लो, फिर ये अपने आप समझ आ जाएगा। जब हम लॉगरिथम्स बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे उस टाइम में कुछ क्वेश्चंस लगवाऊंगा लॉगरिथम्स के इससे लिंक करके, तो वो फिर अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है बेटा? तो हम अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये वाला सोचना, सोचो जरा इसको। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ये आपको एक फंक्शन दे रहा है fx, क्या दे रहा है? फंक्शन fx, ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है ऐसे? ध्यान रखना गॉफ है सर, गॉफ है वो। अगर आप गॉफ निकाल लें और फॉग निकाल लें और वो x आ जाए, क्या आ जाए वो? x, x का मतलब आइडेंटिटी, ठीक है भाई? आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी बोल दो या एक और नाम बोलते हैं यार इसको, कुछ लीनियर तो यही कह रही है। चलो आइडेंटिटी समझ लो, जब इस तरह से आ जाए तो g का जो इनवर्स होगा वो f होगा और f का इनवर्स g होगा, क्या ये बात मुझे याद है, पता है बेटा? यस सर। यस सर। अगर फोग का इनवर्स x आ जाए, फोग और गोफ दोनों x x आ जाए तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इनवर्स। और जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? बाइजेक्टिव। क्या होते हैं बेटा? बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव का मतलब वन 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 टू, क्या कहते हो? यस। तो ये चीजें आपको बड़े काम आएंगी, ऐसे लिंक करना थी उनको। अब आपसे कहा गया कि गॉफ जो है वो एक्स है, इसका मतलब भैया वो तो इनवर्स हो गया, क्या कहते हो? अब याद करो इनवर्स निकालने का मैंने बहुत आसान रास्ता सिखाया था कि आप वाई ले लो, याद है कुछ मेरे बच्चों को? यस सर। ऐसे वाई ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, सिंपलीफाई करो और यहां से एक्स निकालो, क्या कहते हो? यस सर। याद है ना मेरे को ऐसी बात? यस सर। बनाना जरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ मुझे। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते, ठीक है बेटा? सर एक क्वेश्चन था सर। सर बोल रहा था सर, बुक कौन सी सही रहेगी सर, आरडी शर्मा सही रहेगी इसलिए? देखो जैसे अभी कंटेंट हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, यस सर। इसे देखो, एक चीज और बता दो बेटा, इसमें ना बहुत ऊंचे लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम बनानी होती हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्ट लिंक भी नहीं आया IIT से, है ना, थोड़ा और स्टैंडर्ड उनका ऊंचा होता है, तो हम लोगों को उतना भी ज्यादा टफ पे नहीं जाना। अब यहाँ से मैंने वाई की वैल्यू रखी थी, यहाँ से मुझे एक्स निकालने के लिए कहा, तो एक्स क्या आ गया बच्चों का? 3y + 7/2 - y, 3y + 7 upon 2 minus y। यहाँ पर मैं ये बात मानता हूँ कि y की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि नॉट डिफाइंड सिचुएशन चली जाए, है ना? यस सर। यहाँ के हिसाब से x इज नॉट इक्वल टू 3, है ना? ये तो बेसिक चीज है कि भाई ये चीज नहीं हो सकती, बाकी ठीक है सर। तो ये आपका इनवर्स हो गया, क्या हो गया? ये इनवर्स। अब आपको तो ये fx दिया था भाई, तो दूसरा बंदा कौन बन के आएगा? दूसरी चीज जो बन के आएगी दैट विल बी जीरो, वही चीज क्या होगी मेरी एक तरह से जीएक्स।
ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। लो जी स्क्रीनशॉट मार दो फटाक से, दिख रहा है मेरे को ये? साफ दिख रहा है बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? नो सर, साफ दिख रहा है। हो गया? यस सर। अब इसमें एक आता है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन देखो आपने आवर्ती फलन पढ़ा है ना? यस सर, यस सर। हाँ, आवर्ती फलन का मतलब है आप ऐसे ऐसे समझे, आपने क्या किया, आपने एक रस्सी में ऐसे एक वो पत्थर बांध लिया, सबसे बेस्ट वे है, बांध लिया पत्थर। यस सर। आप इसने इधर लेके चले जाओ, पत्थर को यहाँ ले आओ और अब इसको छोड़ दो, आपने यहां से पकड़ा और उसको उधर मूव कराया यहाँ पे और यहाँ पे छोड़ो, क्या कर रहे हो आप? छोड़ रहे हो। छोड़ दिया। जब छोड़ोगे तो वो ऐसे मूव करेगा ना, ऐसे। यस सर। करेगा ओसिलेशन। yes, बोलते हैं ना दोलन, ओसिलेशन। यस सर। दोलन गति। हाँ, दोलन गति है। एक बात बताओ, अब ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि ये जो पोजीशन है ना ए, इसे बोला जाता है बेटा मीन पोजीशन। क्या बोला जाता है बेटा? मीन पोजीशन। ये इसकी मीन पोजीशन है। आप ऐसे माने कि ये यहां से जब इधर गया, उसके बाद यहां से वापस यहीं आएगा, फिर वो इधर जाएगा और फिर वापस यहां आएगा, ठीक है? तो उसका ध्यान से देखना, ये जाना वापस यहां आना और यहां से फिर वापस, तो ये जो वापसी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसका उसी डायरेक्शन में फिर से जो मूवमेंट होता है वो पूरा एक राउंड माना जाता है। क्या माना जाता है? राउंड। राउंड एक चक्कर पूरा। जैसे मैं ऐसे मान लू ये एक वेव है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, अब इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या, जल्दी सोचो, ये डायरेक्शन है ना? यस सर। तो यहां पर आने के बाद भी तो यही डायरेक्शन हो जाएगा फिर इसके बाद? यस सर। तो यहां से यहां तक का जो ये टाइम होगा इसका, ये इसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड। अब जितने समय बाद वो सेम पोजीशन में सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है तो उसे टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड, और वो जो आपकी फॉर्म होगी वो रिपीटिंग फॉर्म होगी फिर ऐसे। yes, ऐसे बनेगा ना अपना? यस सर। yes, है ना? तो ऐसे फॉर्म बार बार आनी शुरू होंगी ऐसे। यस सर। तो ये टाइम स्लॉट सेम होगा। क्या होगा ये टाइम स्लॉट? सेम होगा। सेम यानी कि टाइम इंटरवल, ये जो समय अंतराल है, ये जो गैप है, ये इक्वल होगा। क्या मैं क्लियर हूँ? यस सर। आ रहा है सही समझ में? यस सर। चलो तो अब आते हैं फंक्शंस की चीजों पर। आप जब साइन एक्स का या कॉस एक्स का ग्राफ, दोनों के ग्राफ समझाओ, क्योंकि ग्राफ से क्लियर हो ना अल्टीमेटली ये चीज। यस सर। बाकी तो रटने वाला हो जाएगा ना सिस्टम, तो हम लोग ग्राफ पे आते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सी चीजें सीखो। चलो अब मैं बताता हूं, आपने क्या किया, पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ और कोस एक्स का ग्राफ बना देता हूं, उन्हें ध्यान से देखो। ऐसा हो गया? यस सर। अब मैं यहां पर बना रहा हूं कोस एक्स का ग्राफ, ऐसा होगा ना कुछ? यस सर। चलो कोई नहीं, खैर देख लेंगे। अब ये बताओ इसकी ये पोजीशन फिर यहां जाके नहीं हो रही? यस सर। और साइन एक्स की जो पोजीशन यहां है वो यहां हो रही है? यस सर। अब आप वो समझ रहे हैं जो ध्यान से देने वाली चीज, इसकी डायरेक्शन ए ऐसे है यहां, तो यहां पे भी तो ऐसी हो जाएगी। यस सर। तो ये टाइम इंटरवल कितना है देखो, जीरो से और यहाँ कितना बचा? टू पाई। टू पाई। आप जरा यही बात अपने साइन पे भी तो सोच लेते हैं। यस सर। साइन पे सोचो, अब इसकी पोजीशन यहाँ ये है। यस सर। अगली बार वो यहाँ पर जाकर कैसे? यस सर। तो ये भी जो यहाँ से
और यहां तक का जो इसके लिए टाइम पीरियड होगा ये भी क्या होगा? यस सर। तो समय समझ में आया कि गैप कितने एंगल का या रोटेशन का है? यस सर। 2π का रोटेशन है। कितना है बेटा? यस सर 2π गैप है मेरा। क्लियर? यस सर। बस यही बात दिमाग में बैठा लो कि इसी तरह से और भी फंक्शंस हो सकते हैं, तो उन सब का जो ये गैप होगा ये कितना होगा, और ये गैप अगर है तो वो फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन। अगर ऐसा है कुछ समय बाद वो अपनी इनिशियल पोजीशन को रिपीट कर रहा है, कुछ समय बाद अपनी इनिशियल पोजीशन को पहली फ्रेज को पहले पोजीशन को रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक फंक्शन है, और रिपीट ना करे नॉन पीरियोडिक है ना, अनावर्ती, आवर्ती फलन अनावर्ती फलन। आया समझ नहीं आया? यस सर। चलो स्क्रीनशॉट बना लो इसका, बाकी अब थ्योरी में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा जो लिखा है। हो गया? डन सर। ठीक है, अब एक ध्यान से सोचना भाई, अगर मैंने कहा कि साइन एक्स है मेरे पास वाई इक्वल टू, ठीक, इसमें आप पाई प्लस 30 डिग्री और एक्स को 30 मानते हुए वैल्यू निकाल के देखोगे, फिर से रिपीट, साइन एक्स फंक्शन है, ठीक है, वाई इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, मैं कहता हूं एक्स आप 30 डिग्री रख लो, तो भाई सीधी सी बात है एक्स 30 होते ही 1/2 होगा। यस नो? यस सर। होगा? यस सर। अब आप ना 180 प्लस 30 करो तो ये माइनस साइन 30 होगा भाई मेरे। यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस हाफ। माइनस में आएगी हाफ, हाफ है। यस सर। यस माइनस में, तो क्या सेम वैल्यू प्रोसेस हुई, मतलब सेम वैल्यू आई उसकी? नो सर, नहीं आई। इसका मतलब ये इसका पीरियड नहीं है, ये तो हुआ। यस सर। अब सोचो अगर मैं ये 2π रखता यार, सोचो तो क्या होता, देखो। यस सर। 2π प्लस 30 डिग्री होता, अब साइन 30 बनता और वैल्यू सेम 1/2 जी 1/2। अब इसने ये देखो, अब मैं इसको जोड़ता हूं अपनी कहानी से, फिर से रिपीट। आपने क्या करा, आपने एक फंक्शन fx लिया था, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं कोई बात नहीं, आपने यहां से आ जाओ, आपने y इक्वल टू एक फंक्शन देखा था, yes, sir. साइन एक्स था ना वैसे तो वो, लेकिन y इक्वल टू fx था ना, आपने क्या किया, आपने उसमें x के प्लेस पे 2π प्लस x रखा और आंसर वही आया जो fx था। यस सर। यही तो हुआ मेरे बेटा। यस सर। सेम सेम हुआ ना। इससे ये पता चला कि साइन एक्स फंक्शन के लिए, किसके लिए, साइन एक्स फंक्शन के लिए ये जो मेरा टाइम पीरियड होगा या पीरियड होगा वो मेरा 2π होगा। यस सर। यानी कि 2π अंतराल बाद एंगल में 2π अंतराल बाद सेम वैल्यू होगी। यस सर। क्या कहते हो, क्लियर होगा? नहीं होगा? यस सर। आ गया समझ? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। यस सर। फिर से रिपीट करता हूं, मैंने एक फंक्शन लिया था y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स में मैंने सोचा कि भाई x 30 डिग्री मान, आपने जब x की वैल्यू 30 डिग्री रखी तो देखा कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई। यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। अब मैंने इसी वैल्यू को पाई रख के देखा था तो वैल्यू तो सेम आई थी लेकिन यार नेगेटिव आई थी, है ना, तो न्यूमेरिकली सेम है, साइन ऑपोजिट आया, तो मैं नहीं कह सकता ना कि वो एक्चुअल में फंक्शन की वैल्यू सेम आई है। तो ऐसे केस में, इस केस में अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वैल्यू ये देखूंगा कि किसे रखने से बनती है, तो मैंने आपकी बार 2π यूज करके देख लिया। यस सर। तो जब मैंने 2π रखा तो वो सेम आ गया 1/2, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो इससे पता चला कि साइन एक्स फंक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो 2π होगा, या जो गैप होगा वो 2π होगा, हर 2π बाद उसकी वैल्यू रिपीट करेगी। क्या कहते हो, क्लियर है सब कुछ? यस सर। अब आ जाइएगा, ये अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एग्जांपल भी मिल गया साथ साथ।
हो गया बेटा? यस सर, 10 का पाई होगा ना? हाँ, अभी वही, अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ पूरी बात। चलो अब मैं इसको देखता हूँ, ध्यान से समझना। इसमें देखो, उसने कहा कि भाई कोई भी फंक्शन जो है वो पीरियडिक होता है टी टाइम पर। पहली बात तो टी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, जो आप सीधा सीधा समझे कि टी की वैल्यू प्लस माइनस करने से, क्या टी की वैल्यू प्लस माइनस करने से उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं 2 पाई प्लस कर दूं x में या 2 पाई माइनस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही है। ठीक है? यस सर। तो अब देखो, sin x और cos x दिख रहा है आपको? यस सर। sin x cos x के लिए टाइम पीरियड है 2 पाई। अब tan x के लिए देखो, tan x का ग्राफ आप देखते हो तो ऐसे बनता है। यस सर। कुछ यस सर। तो ये जो गैप होता है ना बेटा, ये गैप जो है यहाँ पे, ये पाई का गैप है। कितना गैप है मेरे बच्चों? पाई का। इसका मतलब tan x के लिए पाई पीरियड होता है। ठीक, अभी और भी चीजें आएंगी, अब देखेंगे आगे आगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी देखते रहो। लो, अगर आप कोई जीरो फंक्शन है, क्या है? जीरो, जीरो है, तो ये कांस्टेंट फंक्शंस भी कह सकते हो। उसमें क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शंस में जो न्यूमेरिकली एक तरह से जीरो है, मान लो, तो एक्स तो है ही नहीं वहां पे। यस सर। यस सर। तो जब एक्स नहीं है तो कोई चीज प्लस माइनस एक्स की जगह रख ही नहीं सकते आप, तो उसमें कुछ भी माना जा सकता है, चाहे वो प्लस का टी हो चाहे वो माइनस का टी। ठीक है, अब इनवर्स में क्या होता है, ध्यान से समझना, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। यस सर। वो आपका जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होगा? पीरियोडिक साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। सर जैसे एग्जांपल, जैसे अगर आपने किसी पीरियोडिक, कोई पीरियोडिक फंक्शन बना लिया। यस सर। साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स तो ये तो इनके तो इनवर्स डोमेन में निकल सकते हैं ना। यस। अगर वाई इक्वल टू पूरा साइन एक्स ही आप ले रहे हो। हाँ सर, उसके डोमेन में डोमेन में तो एग्जिस्ट है, लेकिन आप पूरा ही बनाना चाहो तो नहीं बनेगा वो डोम, क्योंकि रिपीटिंग फॉर्म हो गई ना, फिर वो वन बन ऑन टू नहीं होगा। सोचो सर, भाई हम इनवर्स को क्या सीखते हैं कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। सोचो, वैल्यू रिपीट हो जाएगी उसकी। हाँ, अब वो तो मैनी वन हो गया फिर। यस सर। और मैनी वन फंक्शन कभी इनवर्स हो नहीं सकता उसका। यस सर। तो इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन अगर मैं बोल दूंगा तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। अब यही बात अगर ऐसे लिखी भी जाए जैसे लिखी है तो बड़ा सोचने में मजबूर हो जाएगा आदमी, लेकिन अगर बेसिक बहुत अच्छे से पता है कि वन वन क्या होता है, मैनी वन क्या होता है, इनवर्टिबल हो है नहीं है कैसे पता चले, तो वो बात से पता चल रहा है कि जब एक ही चीज की बहुत सारी वैल्यू एग्जिस्ट हो जाएंगी कॉरस्पॉन्डिंगली, तो भैया वो तो वन वन होना नहीं है, वन वन नहीं होना तो मैनी वन, और मैनी वन फंक्शन इनवर्टिबल होते नहीं है। नहीं है। क्या कहते हो? यस सर। फिर देखो, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज पीरियोडिक, लेकिन उसका कोई पीरियड नहीं होता। जैसे आपको कह दिया वाई इक्वल टू फोर है, ठीक है भैया, अब वाई इक्वल टू फोर है तो आपने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी, हर एक्स पे सेमी वैल्यू दे रहा। अब x तो है नहीं यहाँ पे, x तो कुछ भी हो सकता है। yes, sir. अब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि 2 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दो, तो जैसे ही 2 ऐड करोगे वो 2 पे ऊपर खिसक जाएगा, बनेगा फिर से ऐसे ही। आप 2 माइनस कर दो, लो यहाँ आ गया मैं, तो है ना, तो इसका कोई स्पेसिफाई पीरियड तो है नहीं, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो ऊंचा नीचा करके, लेकिन एक्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी, यानी कि इंडिपेंडेंट जो है वैल्यू है वो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन दे रखा है आपको, अब इसमें इस तरह के फंक्शंस के लिए पहले तो आप ये सोचें
ये वाली लाइन गड़बड़ हो गई ना, ये भूल गया मैं। एक चीज आप ध्यान से देखें, अगर आपके पास कोई fx फंक्शन है, क्या है कोई fx फंक्शन है और उसका टाइम पीरियड या पीरियड बोल दो टी है, किसी फंक्शन का पीरियड टी है, तो उसके स्क्वायर रूट, उसके स्क्वायर रूट का या उसके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मल्टीपल इनवर्स भी होता है याद रखेंगे हम, उनका भी टाइम पीरियड क्या होगा बेटा टी, टी रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर? आगे देखते हैं, अगर कोई फंक्शन का टाइम पीरियड टी है और वहां एक्स के साथ, बस ध्यान देना ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे है, एक्स के साथ मैंने 5x कर दिया, मैंने 10x कर दिया, मैंने 15x कर दिया, यानी मैंने x by 2 कर दिया, तो जितना ये डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना इतना ही फैक्टर टाइम पीरियड के साथ, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई जाएगा। हाँ, कैसे कैसे जाएगा वो समझो भाई, मुझे पता है कि x का टाइम पीरियड t है जनरली, yes, लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है ax का, तो ax का अगर t है तो ये तो डिवाइड में जाना ही चाहिए अब, yes, और जाएगा भी कैसे, मॉड मॉड, यानी कि मैं माइनस, जैसे मान लो माइनस 2x है, क्या है माइनस 2x, तो भाई आप 2 से डिवाइड करोगे, इसका टाइम पीरियड मान लो 2 पाई है तो आप 2 से डिवाइड करोगे, ना कि 2 पाई से, माइनस 2 से नहीं करोगे, नेगेटिव नहीं होता, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अगला वाला पार्ट देखते हैं, अगला वाला पार्ट, अगर एक फंक्शन का टाइम पीरियड t1 है, दूसरे का टाइम पीरियड क्या है t2 है, अब इन दोनों फंक्शनों को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्या किया गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आप उनका एलसीएम लो, क्या करोगे टाइम पीरियड्स का एलसीएम, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। अब ये देखो दो चीजें डिवाइड में, अगर वो पीरियडिक फंक्शन नहीं है, क्या पीरियडिक फंक्शन नहीं है भाई, मान लो आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे, ठीक है ना, अगर वो फिर अगर वो उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं है तो वो नॉन पीरियडिक है, क्या है वो नॉन पीरियडिक, पीरियड पॉसिबल नहीं है, नहीं है। मॉडुलस वाले ग्राफ जो होते हैं, क्या मॉडुलस ग्राफ, हाँ आप ये बताओ, साइन एक्स का टाइम पीरियड क्या पढ़ा था, 2 पाई, 0 से 2 पाई, साइन एक्स का होता है 2 पाई, cos x का क्या होता है 2 पाई, लेकिन जैसे ही मॉडुलस लगेगा sin x cos x में, माइनस वाला फैक्टर खत्म, यस सर, तो माइन, अब ग्राफ देखना, ये sin x का ग्राफ था, लेकिन जैसे ही मॉडुलस का आएगा, जैसे ही मॉडुलस का आएगा ये वाली चीज ऊपर जंप कर जाएगी, यस सर, इससे ये पता चला कि भैया पाई का ही गैप रह जाएगा बार बार, यस सर, ए भाई क्या पता निकला कि मॉडुलस साइन एक्स का ग्राफ पाई पाई मीट पाई बार रिपीट हो जाएगा, हर पाई इंटरवल बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, पहले 2 पाई पे रिपीट हो रही थी चीज, अब कहां पे रिपीट होना शुरू होगा पाई, तो इसका वाला टाइम पीरियड क्या हो गया अपना पाई हो पाई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों साइन एक्स कोस एक्स एक साथ है, क्या है दोनों अब जरा इसका सोचना, दिख रहा है मुझे, यस सर, हाँ सोचो सर, 12 पाई, देखो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 4 पाई, इसका क्या आएगा 6 पाई, और दोनों का एलसीएम 12 पाई, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये देखो वर्किंग देख लो चाहो तो, ठीक है सर, एक बार एक्सप्लेन कीजिए,
देखो आपके पास है साइन एक्स जो होता है क्या साइन एक्स, इसका टाइम पीरियड आपने पढ़ा टू पाई, क्या कहते हो यही तो है ना। लेकिन मुझे किसका टाइम पीरियड बोला जा रहा है एक्स बाई टू का, तो इसका मतलब ये तो ट्वाइस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 2 pi upon 1 by 2 करना था एक्चुअल तो। Yes, मल्टीप्लाई फिर वो ऊपर चला जाता है रेसिप्रोकल व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलते हैं ना अपने। Yes, sir. ऐसे ही इसको आ जाओ cos x के लिए आ जाओ, cos x का कितना होता है जल्दी बताओ 2 pi। लेकिन जैसे ही x by 3 करूंगा तो यहाँ पर ये 6 pi बनना चाहिए। अब yes, sir. अब आपसे कहा गया एलसीएम निकाल दो, क्या निकाल दो एलसीएम, एलसीएम तो हो गया अपना काम पूरा। यस सर, आगे बढ़े। यस सर, ये देखना चाहो तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। डन सर, इसे सोचो अब। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। सर नहीं करेगा इसका एग्जिस्ट। हाँ देखो इसका टाइम पीरियड जो है ये क्या होगा 2 pi। और ये फ्रैक्शन है तो डेसिमल में हो गया इसका तो काम। यस yes, yes, तो इसका दोनों का एलसीएम पॉसिबल नहीं है, ये देखो 1। यस सर, ठीक है भाई। यस सर, तो ये हो गया अपना नॉन पीरियडिक। अब ये सोचना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, ध्यान से सोचना। सर 2 pi, 2 pi देख लो, दो रास्ते हैं इसके। एक रास्ता है 4 pi/3 डिवाइड करके अलग अलग बना लो, क्या कहते हो बेटा? यस सर। और दूसरा रास्ता है इसका अलग निकाल लो और इसका अलग निकाल लो, इसका 2 pi और इसका 2 pi/3 2 pi दोनों का एलसीएम 2 pi। ये लो देखो, दिख रहा है? यस सर, 2 pi में और में नॉट भी सर, एक लिखा है पीछे। अब देखो ये 2 pi और 2 pi/3, अब ये 2 pi आएगा एलसीएम। यस सर, यस सर, ठीक है। अब एक चीज ये भी है कि आप देखोगे तो यहाँ पर 2 pi प्लस से भी बन रहा है। पाई भाई आप क्या कर रहे हो, 2 pi माइनस 2 pi माइनस थीटा कर दो, क्या कर दो पाई माइनस थीटा, क्या पाई प्लस थीटा कर दो, तो ये भी नेगेटिव फंक्शन सेम रह जाएगा। यस सर, है ना। तो इस तरह से इन्होंने क्या बोला कि भैया पीरियड तो ये भी हो सकता है। यस सर, और इसे क्रॉस चेक करके देखा तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। यस सर, ठीक। तो आपका 2 pi जो है वो हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन पाई के साथ ओड या इवन नंबर्स पे वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमने अब ऐसे देखो, अब यहाँ पे गेम फंस जाता है कि कितनों को, मेरी एक बात याद है कि हमेशा ओरिजिनल को सेटिस्फाई भी करके देखो। यस सर, है ना, कई बार आंसर आ जाता है और कई आंसर होते हैं उसके, लेकिन पता चला ओरिजिनल तो सेटिस्फाई नहीं था उनमें से एक दो आंसर से, सही है? यस सर। हाँ तो ऐसे भी मुझे सोचना है थोड़ा सा ओरिजिनल को। चलो अब ये सोचो जरा, थोड़ा अलग सा है, ध्यान से करना।
सर 6π। अच्छा ओके, और कोई भाई? सर 6π। 6π, ध्यान से सोच लो क्योंकि एलसीएम में गड़बड़ होती है इनके में। यस सर। 12π। सर हाँ जी सर, 12π आ रहा है। और किस किस का आया 12π? नो सर, 6π आया भाई। 12π बिल्कुल सही बोला है इंडिया ने। चलो जल्दी से बताओ बेटा कैसे कैसे लिखा। पहले वाले का क्या पीरियड बनाया आपने? 2π/3 बनेगा या 4π/3 बनेगा सर। 4π/3। दूसरे वाले का 6π। तीसरे वाले का 6π/2। 3π एक तरह से। यस सर। ठीक है ना। अब इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम। ये देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है? यस सर। ये बात ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ तक ठीक थे? यस सर। यस सर। देख लो गड़बड़ करी थी सर। वो 3π नहीं आएगा वहां पे, 2π/3 आएगा। 10 था ना, तो 2π/3 वाले का ये तो 3π/2 होना चाहिए ना अपना। सॉरी वो है ना 10 है, 10 है तो पाई होगा ना अपना। 3π/2 भाई। 10 का क्या होता है? पाई होता है ना। पाई। यस सर। तो ये 3π/2। यस सर। ऐसे यस सर। अब इनका एलसीएम क्या बनेगा? 12π/3। इनका एलसीएम कैसे आ रहा है सर? ये एलसीएम का रूल लिखा है इन्होंने कि अगर अगर इस तरह के फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, ठीक है, तो इनके एलसीएम जो है इस तरीके से लिखा जाता है। यस सर। तो 4π, 6π और 2π, इनका 2 क्या हमारा तो 3 है ना ऊपर। क्यों बेटा? हमारा तो 3 है ना, 3π/2 हमारा। इन्होंने पता नहीं कैसे लिखा है, हमारा 3π/2 आया था 10 वाले का। क्या कहते हो? यस यस सर। तो अब इनके एलसीएम की अगर बात करें कितना आएगा? 12। यस यस सर। और नीचे की चीजें क्या क्या है? एक तो 3 है अपना, एक अपना 2 है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या है? कॉमन क्या है दोनों में? 1। तो डिवाइड में 1 होगा अपना। यस सर। तो 12 ही तो आया, 12। यस सर। यस सर। ये हो गया अपना 12π। क्या हो गया अपना? 12π। 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 ठीक है। वो थोड़ा मेरे को लग रहा है इनका ये गलत है यार, प्रिंट होने में गड़बड़ हुआ। ठीक है, हमारा सही आ रहा है वैसे, और उनका भी सही है, पता नहीं कैसे, हमारा भी ठीक है वैसे। ठीक है जी, आएगा एलसीएम। चलो हाँ, कोई नहीं, हो जाता है यार, इतना सारा कंटेंट लिखा जाता है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, हम लोग करेक्ट कर रहे हैं। चलो इसे देखो अब क्या कह रहा है वो। सोचो क्या कह रहा है इसमें। सर ये पूछ रहा है कि पीरियोडिक है कि नहीं। हाँ अरे पूरा ब्लर्ड हो गया। वन मिनट, वो थोड़ा सा फोकस बिगड़ जाता है। ये भी चाहता है ना मैं हटू ना इसके आगे से। यस सर। हाँ बोलो।
सर ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है या फिर ये हमसे पूछ रहा है? अगर आपके पास बुकलेट है क्या? तो कौन सी? ये फंक्शंस की अपनी ग्रुप पे डल रही होगी। यस सर। तो उसमें आप देख सकते हैं फंक्शंस के बारे में वहां पे। अब ये बताओ इसमें मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि y इक्वल टू, ऐसा कुछ याद है? कुछ होता था यार, मैंने पढ़ा है ऐसा। क्या होता है ऐसा, बताओ जल्दी से। सर इंटीग्रेशन ना प्लस थ्री। नहीं, ये जो y इक्वल टू ये बॉक्स x प्लस कुछ ऐसे में, कुछ पढ़ा था ऐसा कभी? ये सर लीनियर इक्वेशन। हाँ बिल्कुल, अरे बेटा बहुत सुंदर। yes, तो ये होता है y equal to mx plus c, mx plus c. तो ये चीज m की तरह ट्रीट होगी। yes, sir. अब एक बात बताओ, हमने तो पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन। yes, sir. तो होना चाहिए a plus 3. कांस्टेंट फंक्शन कब बनेगा ये? जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए? जीरो। जीरो। और x को मैं जीरो कहूंगा नहीं, इसका मतलब इसे कहूंगा मैं जीरो। yes, minus. यानी a प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। जीरो। तो a कितना हुआ अपना भाई? माइनस थ्री। बढ़िया था ना? यस। चलो लगा दो जल्दी से। चलो आगे। तीन आ रहा, माइनस फिफ्टीन। ये आ गया आपके पास। अब अगला क्वेश्चन देखो, कितने बच्चों ने डेस्मोस देखा था? ग्राफ, ग्राफिकल जो मैंने बताया था डेस्मोस। यस सर। यस सर। देखा था? यस सर। उस पे इसको लिखेंगे कैसे? है बेटा? सर इस वाले को लिखेंगे कैसे उस पे? आप फंक्शंस पे जाएंगे, सर। हाँ सर, ये जो साइन एक्स है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या? उसमें उस ब्रैकेट में है? हाँ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इस तरीके का। ओके सर। अब इसके लिए आप डोमेन रेंज सोचें, मतलब सोचें कैसे इसका ग्राफ बनाया जा सकता है। तो मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि इसकी वैल्यू साइन एक्स की माइनस वन और वन के बीच में ही होती है। सर दो वैल्यू माइनस वन और वन जाएगी और बीच में जीरो रहेगा। जीरो से एक वाला। तो इसका ग्राफ उस पे कैसे बनाओगे? डेस्मोस पे देखो कहीं होगा। है क्या वहां पे अपना? भाई ऐसे तो मुझे लग रहा है कि माइनस वन और जीरो के तरह बनेगा ना इसका ग्राफ, जैसे अल्टरनेटिंग कर्व होता है। और फिर जीरो से वन के बीच में अपना जीरो और वन पे वन, ठीक है ना? और वन पे वन और माइनस वन पे माइनस वन है ही। तो ये ऐसा हुआ कि माइनस वन से जीरो ऐसे ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, माइनस वन है ना, और जीरो से वन के बीच जीरो, और जब मैं वन पे बात करूंगा सीधा तो वन। यस सर। है ना? तो ये थोड़ा होल और उसका चक्कर रहेगा सर, गोले बनाने पड़ेंगे। हाँ गोले बनाने पड़ेंगे, ठीक है? यस सर। चलो अब यहाँ देख लो, ये देखो क्या कह रहा है कि अगर एग्जैक्टली पाई बाई टू रखोगे आप, कितना एग्जैक्टली पाई बाई टू? पाई बाई टू तो 90 डिग्री पे वन होता है जो अभी बात कर रहे थे हम। यस सर। फिर उसने कहा कि अगर मैं यहाँ चला जाऊं इसके बीच जीरो के बीच पाई बाई टू, तो इसका मतलब जीरो से वन ही तो है। यस सर। तो जीरो से वन के बीच क्या रहेगी वैल्यू? जीरो। जीरो रहेगी अपनी। और अगर आप पाई से 270 चले जाए, यानी कि आप जीरो से माइनस वन के बीच आ जाए अब, या माइनस वन से जीरो कह दो, तो आपका क्या रहेगा?
माइनस वन माइनस वन, ठीक है भाई क्लियर हो गया? यस सर। ऐसा ग्राफ बना दीजिए। अब आप ऐसे कर लो, सीधा सोचो पाई बाई टू, पाई बाई टू आपका कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। ये थोड़ा मैंने जगह कम होगी फिर अब मेरे पास, चलो कोई नहीं मैं एडजस्ट करता हूँ। इसे मैं ऐसे बना लेता हूँ, इसे पाई मान लेता हूँ, इसे थ्री पाई बाई टू मान ले, ठीक रहेगा ना अपना? यस सर। और ये अपना हो गया ऊपर की तरफ प्लस वन और नीचे की तरफ हो जाएगा अपना भाई माइनस वन। अब आप सोचो पाई बाई टू पे आपको वन रखना है, मतलब ये पाई बाई टू पे डार्क लगाओगे, डार्क याद है ना अपना होल और डार्क, अगर इंक्लूड है तो डार्क, इंक्लूड नहीं है तो होल, ठीक है? होल। हाँ, अब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? जीरो। जीरो, तो जीरो कहाँ बनेगी जल्दी सोचो, ऐसी एक्स एक्सिस पे। होल बनेगा, होल ध्यान रखना। यस सर। ठीक है भाई, और पाई से और टू पाई के बीच माइनस वन, ये माइनस वन यहाँ रहेंगे ना ऐसे? यस सर। क्या कहते हो? यस सर। ये डार्क करेंगे, डार्क तो एक तरह से ये ऐसे नहीं हो गया कि एक बनेगा ऊपर ऐसे डार्क, फिर बनेगा एक ऐसे होल, फिर बनेगा एक ऐसे डार्क। यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है यार। यस सर। हाँ चलो हो गया ना अपना काम? यस सर। ये सोचना, ये आपके सब बुकलेट से ही बता रहा हूं मैं आपको, मतलब मॉड्यूल से ही, बहुत सारी चीजें मॉड्यूल की होंगी आपकी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉड्यूल पे 38 पेज पे होगा आई थिंक, हाँ शायद 38 पे है, ठीक है ठीक, 38 पे आप देखोगे इसको। चलो पहले तो ये बताओ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है मुझे? यस सर। ठीक है, तो अब इसमें इसमें क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर ये पूरा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो फिर अंदर वाले की बात कर लेता मैं। यस सर। लेकिन उसने ना यहाँ यार एंगल को बोला है, इसको बोला है एंगल, तो ये तो रिपीटिंग फॉर्म पे पता नहीं कहाँ कहाँ आएगा, अभी इसका तो फिक्स है ही नहीं। यस सर। ग्रेटेस्ट है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसे मैं एक तरह से कहूंगा नॉन पीरियोडिक। चलो अभी देखते हैं अपना ये चीज क्या हो सकती है, पीरियोडिक भाई, जब जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ये तो इंटीजर वैल्यू लेगा ना, बीच की तो बात ही नहीं करेगा ये। यस सर। तो जीरो हो सकता है, वन टू थ्री ऐसे हो सकता है। यस सर। अब मैं इसे ऐसे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो जीरो से आगे बढ़ना होगा, नंबर लाइन हम जानते हैं, हमें तो इधर बात करनी है, टू पाई था ना साइन एक्स कॉस एक्स टाइप का, तो यस सर, तो मैं ऐसे वैल्यू उठा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इधर। अब देखते हैं अपना, तो मैं देखता हूं कि ये जीरो वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी अगर मैं जीरो से पाई के बीच रखूंगा, तो एक से छोटा से पाई के बीच एंगल रखूंगा, क्योंकि पाई पे तो वन हो जाएगा वो। यस सर। तो जीरो से पाई के बीच तो वन से छोटा रहेगा। यस सर। वैल्यू से छोटा और जीरो के बीच तो जीरो आता है अपना। यस सर। फिर अपना ये पाई से टू पाई चलेगा, दो से छोटा। हाँ, अब देखो पाई और टू पाई के बीच ये वैल्यू टू से लेसर होगी सारी। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वन बनेगा उस टाइम। यस सर। अब आप टू पाई से थ्री पाई कर लो, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, तो भाई इसमें तो कोई, आप देख रहे हो तो इंटीजर स्टेप तो ठीक है अपना, ठीक है? यस सर। हाँ, लेकिन ये देखो ना, ये इंक्लूडिंग सिचुएशंस नहीं है। क्या कह रहे हो? यस सर।
तो इसीलिए मैं कहूंगा पीरियोडिक नहीं कि ये पीरियोडिक नहीं नहीं है। दूसरा एसओ का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। यस सर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखें। चलो इसे सोच लो, एक और लगा देते हैं जल्दी से। ध्यान से सोचो, अपना आराम से सोचो सर। जीरो जीरो टू इनफिनिटी, जीरो टू इनफिनिटी बेटा, ये ध्यान रखो ये एफ एक्स है, ये फंक्शन अलग दिया है मेरे बच्चों। सेवन सर, सिक्स टू इनफिनिटी है। अच्छा सिक्स टू इनफिनिटी, एफ एक्स तो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। इसका रिलेशन जी एक्स से कुछ बनाया पहले, ये बताओ। यस सर, इसे मैं बनाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कितनों को याद कंप्लीटिंग स्क्वायर? यस सर। तो ये हो जाएगा अपना 2x plus 1 का होल स्क्वायर एंड देन 6 होगा, ठीक है भाई? यस सर। आप सोचो, इसका मतलब जो फंक्शन fx होगा वो x स्क्वायर प्लस 6 है। यस सर, अब तो साफ ही दिख गया आंसर। यस सर भाई, सीधी सी बात, सिक्स या सिक्स से ज्यादा ही आएगा अब तो, ठीक है? यस सर। तो यहाँ ऑप्शन डी, हाँ आ गया क्लियर? यस सर। किस फंक्शन की बात हो रही है? ऑड एंड इवन। ऑड एंड इवन, क्या हमने ऐसा कुछ थोड़ा सा मेरे को याद है कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। देखो ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। आपने y इक्वल टू कोई एफ एक्स था, अगर आप माइनस एक्स रख दो और फिर से एफ एक्स बन जाए तो ये होता है इवन फंक्शन। क्या होता है ये? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन यानी के ये जनरली आपका नीचे नहीं जाएगा। क्या नहीं होगा? ये नीचे नहीं जाएगा भाई, y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। क्या कहते हो? यस सर, सिमेट्रिक रहेगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक बताया था आपने, हाँ। और अगर अगर मैं माइनस एक्स रखूं और माइनस बाहर आ जाए तो ये आंसर नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। यस यस, तो इसका मतलब ये आपका नेगेटिव पार्ट जा सकता है, ठीक है? यस सर। तो ऐसे फंक्शंस जो आपके हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स बने रहते हैं, यानी कि फंक्शन में एक्स या माइनस एक्स रखा और वो प्लस ही आया फंक्शन, तो वो हो गया आपका क्या? इवन, इवन फंक्शन। और माइनस रखने से अगर माइनस बाहर आ गया तो हो गया ओड, ओड फंक्शन, ठीक है भाई? तो इवन ओड याद रहेंगे। यस सर। अब इन्होंने देखो लिखा, ये रहा कॉस एक्स, अब आप यहाँ पर कॉस माइनस एक्स कर दो जरा। कॉस एक्स तो ये तो कॉस एक्स ही रहेगा अपना। यस सर। इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है अपना? ये इवन फंक्शन। अब वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है सपोज, इवन ही होगा, इवन, ये भी इवन है। लेकिन अगर y इक्वल टू साइन की पावर 7x हो तो ऑड, हाँ, क्योंकि माइनस रखने से माइनस बाहर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो कोई भी फंक्शन इवन ओड हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इवन ही होंगे वो ओड ही होंगे, किस दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक? और कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कह नहीं सकते, ठीक है? कैसे? लो बड़ा इजी सा एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी। अब इस पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, तो ये प्योर माइनस में जाएगा ना ये प्योर प्लस में जाएगा। यस
यस सर, है ना? तो मैं कह ही नहीं सकता ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है ना बेटा? यस सर। अब ये यहाँ देखो कि अगर दो अगर कोई फंक्शन कौन सा है इवन है, तो वो एफ एफ एक्स और एफ माइनस एक्स सेम होंगे उसके। यस सर। इसका मतलब इधर ला करके इक्वल टू जीरो बन सकती है ये वाली बात। यस सर। लेकिन अगर आपका ओड फंक्शन है तो ऐसा होगा, तो फिर ये वाली बात बनेगी। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ पर ओड फंक्शन की फॉर्म आपको ये दिखा रखी है और ये इवन फंक्शन की दिखा रखी है। ये अपनी इवन फंक्शन और ओड फंक्शन दोनों लिख करके दिखा रखे हैं, ठीक है बेटा? यस सर। अब ये देख लो, इवन फंक्शन में ये देखो नीचे नहीं आ रहा ना भाई। यस सर। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, एक तरह का इवन, इवन, और ये माइनस होते ही ऑपोजिट क्वाड्रेंट में घुस गया। यस सर। ये हो गया अपना ओड ओड फंक्शन। लेकिन यार अगर ये मैं ऐसे कर देता तो क्या होता मेरे बच्चों? इवन फंक्शन सही बनी, ये जंप कर गया था ऊपर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इवन हो गया। क्लियर? यस सर। और इवन होगा तो नीचे नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, अब ये देखो किसी भी फंक्शन को ध्यान से समझना इस बात को, किसी भी फंक्शन को आप दो फंक्शन में ब्रेक करके लिख सकते हो। एक फंक्शन होता है आपका इवन और एक फंक्शन होगा आपका ओड। ओड। समझ में आई कहानी? यस सर। इसे ऐसे सोच सकते हो आप, आपको याद होगा सिमेट्री इज क्यू सिमेट्री। यस सर, मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस याद है? यस सर। उसमें भी हम ऐसे नहीं करते थे कि कोई मैट्रिक्स है ना, उसको P और Q में तोड़ देते थे और P जो है वो A प्लस A डैश होती थी अपॉन टू। यस सर। क्या कहते हो? यस सर। तो मेरे बेटा बिल्कुल ये समझ लो, बिल्कुल ये समझ लो लिंक है ये कहानी उसके साथ। यस सर। अब सीधी सी बात, अगर प्लस है ध्यान देना, अगर प्लस आया हुआ है ये बड़ा उल्टा क्वेश्चन है, तो ये इवन फंक्शन है, और यहाँ इवन आया हुआ है माइनस आया हुआ है तो ओड फंक्शन, ओड फंक्शन है, ठीक है? यस सर। जबकि जबकि अगर ये होता इवन फंक्शन तो ये ऐसे लिखा होता, इस केस में ये ऐसे होता। देख लो कितना बड़ा गेम है। यस सर। ये इवन फंक्शन है लेकिन जब ब्रेक में जाता है तो उल्टा चलता है, ये पॉइंट है समझने का। समझ गए? यस सर। अब ध्यान रखना, ऐड करने से आपका इवन बना हुआ है और सबट्रैक्ट करने से ओड बन गया, सम और विषम। समझ गए? यस सर। ऐसे ही सिमेट्री वाले में होता था। सिमेट्री क्या थी? अगर आपने ए डैश इक्वल टू ए लिख दिया तो सिमेट्री है। यहाँ से विचित्र बात है कि ये जीरो बनता है ऐसे। यस सर। है ना? लेकिन लेकिन ये वाला सिमेट्री बनता है इसमें। यस सर। और ये बनता है, देखो क्या अलग गेम है इसका भी। यस सर। भाई प्लस करने से वैसे बन रहा सिमेट्री, माइनस करने से बन रहा इसकी सिमेट्री, लेकिन ऐसे रूल उल्टे फॉलो करते हैं, तो वही बात इस पे भी लागू हो रही है। इसलिए मैंने दोनों को लिंक किया चीजों को, कि ऐसे याद रख सकते हो चीज, ठीक है? सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब अगर द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन देयर ऑन द एंटायर नंबर लाइन इज इवन ऑड एट द सेम टाइम, आपने y इक्वल टू फोर लिख दिया, ठीक है? तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें तो x का कोई लेना देना ही नहीं है यार, बताओ। yes, तो ये इवन फंक्शन भी माना जाएगा और ओड भी है, ओड फंक्शन, ठीक है? अब ये देख लो, एक फंक्शन f है, एक g है, ये दोनों अगर इवन है या दोनों ओड है
तो उनका प्रोडक्ट या तो इवन होगा या ओड होगा, लेकिन ये ना आप इनके चक्कर मत आना, ये थ्योरी ना कई बार फेल हो जाती है, समझ रहे हो? Yes, sir. सबसे बेस्ट वे आप उनके जब प्रोडक्ट पे जाओगे तो आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख करके चेक कर लेना, लफड़ा खत्म। Yes, sir. सिंपल, क्योंकि हाँ, क्योंकि ना कई बार फंस जाता है गेम ऐसे थ्योरी याद रखने में, कई बार हम तो सोच लेते हैं ऐसा होगा है, लेकिन वहां पता चला वो एक्चुअल सिचुएशन पे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा यार, तो फंस जाऊंगा ना मैं। तो जो yes, सब जगह मान्य ना हो बात, उसे जरूरी नहीं है याद करे, ठीक? माइनस से चेक कर लूंगा। ये इन्होंने टेबल बना रखी है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने के लिए तो बड़ा पंगा हो जाएगा ना। यस सर। भाई इतना सारा याद करने से अच्छा भैया माइनस एक्स रख लूंगा मैं, तो वहीं पे पता चल जाएगा। यस सर। ये चीज बता दो, ये क्या लिखा है? सर इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन ओड आएगा, भाई पावर कम हो जाएगी। यस सर। मैं तो ये मानता हूँ कि एक्स की पावर एन था, अब मैं यहाँ पर दो बातें कर सकता हूँ, एन इवन है तो डैश करने पे ओड बन जाएगा, ओड बन जाएगा, और अगर एन ओड है डैश करने पे इवन, बस क्या कहते हो, मजेदार बात है ये भी। यस सर। तो इसे इसे तो याद रख सकते हो, रखने की जरूरत भी नहीं है, करके चेक कर लूंगा। यस सर। अब मेरे पास y इक्वल टू कॉस एक्स है, कैसा फंक्शन है बेटा? Even. Even. और जैसे ही मेरे बच्चों मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, अब ये ओड है, ओड बन गया, ओड बन गया, क्योंकि साइन में माइनस रखने से पंगा हो जाएगा मेरा। यस सर। है ना, साइन बदल जाएगा ना फंक्शन का। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये ओड के साथ बदल जाएंगे। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमसे, करके दिखा दो। लॉगरिथम्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पता है ना सबको? यस। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो प्लस चले जाएंगे, डिवाइड में है माइनस हो जाएंगे, लॉग की चीजें पावर में है इस तरह से पावर आगे आ जाएगा, ठीक है भाई? यस सर, आ गया। से तो माइनस लॉग एक्स लिख सकते हो। सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो इसमें तुम्हारा कुछ ऐसा बना होगा। यस सर। फिर इसमें माइनस बाहर ले लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या इसे उल्टा लिख दो। यस सर। इसे ऐसे लिख दो, इसके बाद रेशनलाइजेशन कर देंगे। ऊपर एक बन जाएगा, ये देख लो, तो लॉग की प्रॉपर्टी माइनस। हाँ, ये देख लो, ये इक्वल टू माइनस है, ठीक है बेटा? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस। ये इवन फंक्शन है। यस सर। यस सर। ये भी इवन है। ये ऐसे दिया हुआ है, अब आपने बदल दिया अगर तो बस इतना ही तो होगा भाई। यस सर। तो बात तो वही रह गई। यस सर। सेम चीज आ गई। यस। ये भी आपका क्या है? इवन। यस सर। चलो बस आज यहीं पे हम ब्रेक ले रहे हैं, तो कितनी स्लाइड्स तक हो गया है देख लेना, 93 तक हो गया है ये। yes. अभी अपना काफी कुछ बचा yes. हुआ है, वैसे दो तीन क्लास के अंदर अंदर मैं इसे खींच दूंगा फंक्शंस yes. को yes. ठीक है ना? फिर हम लोग आ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री yes, और sir. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्कूल लेवल का भी टच देना है हम लोगों को, हल्का सा दूंगा मैं उसका भी, कुछ क्वेश्चंस उसके भी लगवाऊंगा, ठीक है? यस सर। अब ये बताओ मैथ बढ़िया चल रहा है? यस सर। यस सर, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा साथी लोगों को बोलो कंसिस्टेंट रहें,
अपने क्लासेस लेते रहें।